Hello everyone, welcome to the class number 11 of the chapter Java Programming Fundamentals. तो last classes में हमने different type of classes के बारे में पढ़ा था, जिन classes को हम use करते हैं database connectivity करने के लिए. उसके पिछले classes में हमने पढ़ा था कि JDBC driver हम क्यों use करते हैं database connectivity करने के लिए. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे कि JDBC driver को हम different type of classes use करके कैसे JDBC driver के माध्यम से हम हमारे MySQL database को जावा प्रोग्राम के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट करके जावा प्रोग्राम के द्वारा कैसे MySQL डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं. तो उसके लिए जो स्टेप्स हमें चाहिए कि किस स्टेप के बाद किस स्टेप करके हम क्या कर सकते हैं जावा प्रोग्राम के द्वारा MySQL के डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, उन स्टेप्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम for connecting to MySQL database. Okay, तो database connectivity मतलब क्या? MySQL database के साथ Java application program को connect करना. तो Java application program को MySQL database के साथ connect करने के लिए हमें कौन-कौन से steps follow करने पड़ेंगे? मतलब किन-किन steps को follow करके different type of classes, JDBC driver को use करके हम कैसे database connectivity कर पाएंगे? आज उन steps के बारे में हम पढ़ेंगे. So first step क्या है? अगर हमें database connectivity करना है, Java program को database के साथ connect करना है, मतलब हम database के data को access करना चाहते हैं, तो अगर database related कुछ भी programming अगर हम करते हैं हमारे Java program में, तो उसके लिए first हमें इंपोर्ट करना पड़ता है SQL पैकेज. ओके, जितने भी सारे क्लासेस हम यूज करते हैं, जैसे कि ड्राइवर मैनेजर क्लास, कनेक्शन क्लास, स्टेटमेंट क्लास, रिजल्ट सेट क्लास, ऑल दिस क्लासेस वी यूज फॉर व्हाट? ऑल दिस क्लासेस वी यूज फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी. मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम ये सारे क्लासेस को यूज करते हैं. तो ये सारे क्लासेस जबकि हम डेटाबेस रिलेटेड प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करते हैं, तो ये सारे क्लासेस अवेलेबल होता है कहां पे? SQL पैकेज में. तो अगर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा SQL पैकेज को. तो SQL एक पैकेज है जिसके अंदर सारे क्लासेस होते हैं, जिन सारे क्लासेस को हम डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं. ओके, अगर हम एक बार में सारे क्लासेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो sql.star लिखेंगे तो सारे क्लासेस ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे. और अगर हम एक-एक करके सारे क्लासेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है यहां पे कोई एक क्लास का, ड्राइवर मैनेजर क्लास का, तो वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली पहले ड्राइवर मैनेजर क्लास को इंपोर्ट करो, फिर कनेक्शन क्लास को इंपोर्ट करो, फिर स्टेटमेंट क्लास को इंपोर्ट करो, फिर रिजल्ट सेट क्लास को इंपोर्ट करो. ऐसे अलग-अलग से आप चारों क्लासेस को इंपोर्ट करके यूज कर सकते हो और एक ही बार में आप sql.star लिख के यहां पे क्या कर सकते हो, सारे क्लासेस को एक ही बार में इंपोर्ट करके उसको आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो. तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको java.sql पैकेज को यूज करना है जिस जावा प्रोग्राम में आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है. ओके, उसके बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए SQL पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या है? दूसरा स्टेप ये है कि अभी हमने जितने भी सारे क्लासेस हमें चाहिए थे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, उन सारे क्लासेस को हमने इंपोर्ट कर लिया, तो अभी सारे क्लासेस को यूज करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए. तो फर्स्ट क्लास कौन सा है? ड्राइवर मैनेजर क्लास. तो ड्राइवर मैनेजर क्लास हम क्यों यूज करते हैं? ड्राइवर मैनेजर हम क्लास यूज करते हैं JDBC ड्राइवर को हमारे डिवाइस में क्लाइंट मशीन में लोड करने के लिए. ओके, क्लाइंट मशीन में रजिस्टर करने के लिए. तो सेकंड स्टेप वही है कि रजिस्टर द JDBC ड्राइवर यूजिंग ड्राइवर मैनेजर क्लास बाय यूजिंग फॉर नेम मेथड. ड्राइवर मैनेजर क्लास को यूज करके और फॉर नेम मेथड को ड्राइवर मैनेजर क्लास के साथ यूज करके हमें अभी क्या करना है सेकंड स्टेप में? JDBC ड्राइवर को लोड करना है. ओके, ये है हमारा कंप्यूटर. ओके, हमारे कंप्यूटर में अगर हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, हमने यहां पे एक जावा एप्लीकेशन बनाया है, इस जावा एप्लीकेशन को अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? JDBC ड्राइवर को लोड करना पड़ेगा. तो JDBC ड्राइवर को लोड करने के लिए हमें जो क्लास चाहिए उस क्लास को हमने इंपोर्ट किया बाय यूजिंग java.sql पैकेज. इंपोर्ट करने के बाद फर्स्ट क्लास जो हमारा था ड्राइवर मैनेजर क्लास यूज करके और फॉर नेम मेथड यूज करके हमने क्या किया, वहां पे JDBC ड्राइवर को लोड किया या फिर रजिस्टर किया हमारे कंप्यूटर सिस्टम में. लोड करने के बाद तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, JDBC ड्राइवर को लोड किया बाय यूजिंग फॉर नेम मेथड. फॉर नेम मेथड यूज करके JDBC ड्राइवर को लोड करने के बाद थर्ड स्टेप क्या है? लोड करने के बाद हम क्या करते हैं? लोड करने के बाद हम कनेक्शन क्रिएट करते हैं किसके साथ? डेटाबेस सर्वर के साथ या फिर MySQL डेटाबेस के साथ. तो लोड करने के बाद
कनेक्शन क्रिएट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। तो नेक्स्ट स्टेप में कनेक्शन हम क्रिएट करेंगे किनके किनके बीच, जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम और MySQL डेटाबेस के बीच। तो दोनों के बीच कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट को और गेट कनेक्शन मेथड को ड्राइवर मैनेजर क्लास का। ड्राइवर मैनेजर क्लास का गेट कनेक्शन मेथड यूज करेंगे और कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम और MySQL डेटाबेस के बीच कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ओके, जो कि क्या करेगा, कनेक्शन क्रिएट करके उसको रिटर्न करेगा किसके पास, उसको रिटर्न करेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कैसे कनेक्शन करेंगे, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कौन, ओके, और जो गेट कनेक्शन मेथड यूज करके हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। ये पाथ कौन सा है, ये पाथ है हमारा उस डाटाबेस का जिस डाटाबेस के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं हमारे जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम को। सपोज मैंने यहाँ पे एक डाटाबेस बनाया है, इस डाटाबेस का कोई एक पाथ होगा, लोकेशन होगा, तो उस लोकेशन को हम यूज करेंगे हमारे जावा एप्लीकेशन के अंदर गेट कनेक्शन मेथड के अंदर, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, उस पाथ के द्वारा डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेगा। ये गेट कनेक्शन मेथड ड्राइवर मैनेजर क्लास का क्या है, मेथड है, इसलिए हम ड्राइवर के मैनेजर क्लास को यूज करके क्या करते हैं, गेट कनेक्शन मेथड को एक्सेस करते हैं और एक्सेस करके उसको रिटर्न करते हैं। क्या वहां पे हम क्या रिटर्न करते हैं, कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। ओके, तो हम कनेक्शन क्लास और गेट कनेक्शन मेथड यूज करके क्या करते हैं, डाटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द पाथ और बाय यूजिंग द लोकेशन ऑफ द डाटाबेस व्हिच डाटाबेस वी वांट टू एक्सेस इन आवर जावा एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट हो गया। कनेक्शन क्रिएट होने के बाद अभी हम क्या करेंगे, कनेक्शन क्रिएट होने के बाद अभी हम यूज करेंगे स्टेटमेंट क्लास को और अलाउ करेंगे स्टेटमेंट क्लास यूज करके कि यूजर जावा एप्लीकेशन के माध्यम से क्या कर सके, एसक्यूएल क्वेरी या फिर एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रोवाइड कर सके किसके पास, एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रोवाइड कर सके डाटाबेस के पास, जिसके वजह से डाटाबेस उस एसक्यूएल स्टेटमेंट को समझ के क्या कर पाए, हमें रिजल्ट प्रोवाइड कर पाए। तो अगर हम एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज करके जावा प्रोग्राम में, जावा एप्लीकेशन में अगर हम डाटाबेस के पास कुछ रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अलाउ करता है कौन, उसके लिए हमें अलाउ करता है स्टेटमेंट क्लास बाय यूजिंग द क्रिएट स्टेटमेंट मेथड। अगर हम क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यूज करेंगे और स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर उसको रिटर्न करेंगे किसके पास, डाटाबेस के पास, तब जाके वो हमें अलाउ करेगा एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज करके जावा एप्लीकेशन में क्या करने के लिए, और डाटाबेस से डाटा या फिर रिजल्ट को फाइंड करने के लिए। ओके, तो उसके बाद स्टेप फोर क्या है, कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। कनेक्शन क्रिएट होने के बाद स्टेप फोर में हमें क्या करना है, एसक्यूएल स्टेटमेंट को सबमिट करना है, मतलब हमें डाटाबेस के साथ ऐसा कनेक्शन क्रिएट करना है कि वो हमें अलाउ करे जावा एप्लीकेशन के माध्यम से अगर हम एसक्यूएल स्टेटमेंट को भेज रहे हैं किसके पास, डाटाबेस के पास, तो वो इजीली उसको एक्सेप्ट कर सके और एक्सेप्ट करके वो हमें क्या कर सके, जो भी रिजल्ट हम चाहते हैं उस रिजल्ट को हमें प्रोवाइड कर सके। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को, ओके, जो कि कनेक्शन क्लास का क्या है, कनेक्शन क्लास का मेथड है जो कि कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट को यूज करके एक्सेस होता है। ये कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये कनेक्शन क्लास का मेथड है। तो कनेक्शन क्लास के क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को हम कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके एक्सेस करते हैं और एक्सेस करके उसको रिटर्न करते हैं किसके पास, दैट रिटर्न्स स्टेटमेंट क्लास ऑब्जेक्ट, जो कि स्टेटमेंट क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। और वही स्टेटमेंट क्लास फिर हम यूज करते हैं रिजल्ट सेट क्लास के साथ, और रिजल्ट सेट क्लास के साथ यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसने हमें अलाउ किया क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यूज करके कि अभी हम इजिली क्या कर सकते हैं, अभी हम इजिली मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट को यूज करके जावा एप्लीकेशन के द्वारा डाटाबेस में स्टोर हुआ हुआ डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये परमिशन किस ऑब्जेक्ट को मिला, ये परमिशन मिला स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को। तो अभी हम स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को यूज करके क्या करेंगे, डाटाबेस से जिस भी डाटा को हमें क्वेरी करना है, जिस भी डाटा को हमें सर्च करना है, जिस भी डाटा को हमें देखना है एज ए रिजल्ट, उस डाटा को इजीली हम देख सकते हैं बाय यूजिंग स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। ओके, स्टेटमेंट क्लास ऑब्जेक्ट। तो अभी हमने स्टेटमेंट जनरेट तो कर दिया, एसक्यूएल स्टेटमेंट सबमिट कर दिया, अभी वो हमें अलाउ करेगा नेक्स्ट स्टेप में कि हम एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज करके जावा एप्लीकेशन के द्वारा उसके पास जो भी क्वेरी करना चाहते हैं, जो भी क्वेरी उसके पास भेजना चाहते हैं, जो भी डाटा हम उससे देखना चाहते हैं, उस तरह का स्टेटमेंट हम उसके पास भेजेंगे, उस तरह के स्टेटमेंट को वो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो स्टेप फाइव में वो हमें क्या करेगा, रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो रिजल्ट को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस क्लास को, उस क्लास को बोलते हैं रिजल्ट सेट क्लास। ओके, तो रिजल्ट सेट क्लास क्या करेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड
एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कौन से क्लास का? स्टेटमेंट क्लास का एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को यूज करके, किसके साथ? स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके, स्टेटमेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को यूज करके वो क्या करेगा, रिजल्ट सेट क्लास के माध्यम से रिजल्ट को लाएगा और उस रिजल्ट को रिटर्न करेगा रिजल्ट सेट क्लास के ऑब्जेक्ट के पास, और जो रिजल्ट की जाके स्टोर होगा रिजल्ट सेट क्लास के ऑब्जेक्ट में। ओके, तो रिजल्ट सेट क्लास के ऑब्जेक्ट में जाके डाटा स्टोर होने के बाद उस रिजल्ट को हम क्या कर सकते हैं, इजीली अगर हम जावा एप्लीकेशन में देखना चाहते हैं इजीली देख सकते हैं। ओके, तो ये है रिजल्ट सेट क्लास, ये है उसका ऑब्जेक्ट RS। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड यूज किया स्टेटमेंट क्लास का, बाय उसको हम यूज कैसे कर रहे हैं, बाय यूजिंग द स्टेटमेंट क्लास ऑब्जेक्ट। कोई भी क्लास के मेथड को जब हम यूज करते हैं तो कैसे एक्सेस करते हैं, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास और बाय यूजिंग द क्लास नेम ऑफ दैट क्लास। ओके, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज करके एक्सेस कर रहे हैं स्टेटमेंट क्लास के मेथड को, और वहां पे हमने क्वेरी क्या दिया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट टेबल से जितने, मतलब स्टूडेंट टेबल जो है डाटाबेस में वहां पे जितने भी स्टूडेंट के सारे डिटेल्स हैं मुझे सारे डिटेल्स मेरे जावा प्रोग्राम में देखना है। ओके, तो वहां पे हमने कमांड, जो भी कमांड हमें भेजना था हमने वो कमांड भेज दिया। उसके बाद हमने ये किया, फाइल लूप को यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि डाटाबेस में जो टेबल है उसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होगा, क्या मोर देन वन रिकॉर्ड होगा, तो मोर देन वन रिकॉर्ड को एक एक करके देखने के लिए रिजल्ट सेट क्लास का हम जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं नेक्स्ट मेथड। तो ये मेथड जबकि रिजल्ट सेट क्लास का है तो इस मेथड को एक्सेस करने के लिए हम यूज करेंगे किस क्लास का ऑब्जेक्ट, रिजल्ट सेट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो रिजल्ट सेट क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हमने एक्सेस किया नेक्स्ट मेथड को। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करेगा, वो फर्स्ट रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट रिकॉर्ड प्रोवाइड करने के बाद वो चेक करेगा कि उसके बाद और कुछ नेक्स्ट में मेथड है कि नहीं। अगर उसके बाद और कुछ नेक्स्ट में रिकॉर्ड नहीं है तो वो हमें रिटर्न क्या करेगा, नल। अगर उसके बाद कुछ रिकॉर्ड है तो क्या करेगा, उस रिकॉर्ड से सपोज वहां पे हमने जो टेबल बनाया है उस टेबल में हमने सिर्फ रोल और नेम ही इंसर्ट किया तो वहां पे वो हमें रिटर्न करेगा रोल बाय यूजिंग गेट इंट मेथड। ओके, जबकि रोल हमने वहां पे इंटीजर डाटा टाइप यूज करके स्टोर किया है। अब जिस तरह का डाटा टाइप यूज करके स्टोर किए होगे उसी तरह का मेथड यूज करके आप क्या कर सकते हो, वहां से उस वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो, और रिटर्न करके जिस तरह के वेरिएबल में आप स्टोर करके रखना चाहते हो उस तरह के वेरिएबल में आप स्टोर करके रख सकते हो। ओके, तो रोल नंबर रिटर्न किया, रोल नंबर स्टोर हुआ। नेम रिटर्न किया, स्ट्रिंग के फॉर्म में था तो नेम को स्टोर किया। ओके, तो वैसे ही जब तक नल वैल्यू नहीं आ जाता, जब तक नल वैल्यू नहीं आ जाता तब तक ये कंडीशन क्या होगा, रिपीट होगा, और इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे रिकॉर्ड्स को वो हमें टेबुलर फॉर्म में हमारे जावा एप्लीकेशन में ही एज ए आउटपुट और एज ए रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो मिल गया हमें रिजल्ट, डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट होकर रिजल्ट जो पाना चाहते थे रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट मिलने के बाद अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन हमने किया था उस कनेक्शन को काटेंगे, उस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में उस कनेक्शन को क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं क्लोज मेथड। तो क्लोज मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी कनेक्शन हमने किया था जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ उस कनेक्शन को हम क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंटेक्स कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट कॉन डॉट जिस क्लोज मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन क्लोज कर सकते हैं। आप अगर रिजल्ट सेट क्लास को क्लोज करना चाहते हो तो रिजल्ट सेट क्लास को क्लोज कर सकते हो, अगर आप स्टेटमेंट क्लास को क्लोज करना चाहते हो स्टेटमेंट क्लास को क्लोज कर सकते हो, अगर आप पूरा डाटाबेस के साथ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को ही क्लोज कर देना चाहते हो तो आप कनेक्शन मेथड, कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके क्लोज मेथड को यूज करके क्या कर सकते हो, कनेक्शन को क्लोज कर सकते हो। किसके 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 बीच, जावा एप्लीकेशन और MySQL डेटाबेस के बीच। तो समझ आ गया कि क्या क्या स्टेप्स हैं, किन किन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम के माध्यम से एक डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके डाटाबेस के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं हमारे जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम में। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फिर ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।